हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC रिजल्ट न्यूज़ भाई एडवर्टाइज 1/2020 फाइनल रिजल्ट से संबंधित कुछ न्यूज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो भाई रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ये काम करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अभी बात करते हैं भाई, जो आपका एडवर्टाइज 1/2020 है फाइनल रिजल्ट को लेकर भाई 13 तारीख यानी 13 जून को जो इससे भर्ती से जुड़े हुए युवा है वो पंचकूला जा रहे हैं अभी 13 तारीख को यानी मंडे को, ठीक है। तो आप भाई इस भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप पंचकूला पहुँचो मंडे को और चेयरमैन साहब से मिलो और अपनी जो भर्ती है भाई आपकी एडवर्टाइज 1/2020 है तो इससे रिलेटेड भाई आप बात करो, क्योंकि भाई हमारे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। बिल्कुल, जितने ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट पहुंचोगे भाई उतना ही आपको फ़ायदा है यानी बेनिफिट है वो मिलने वाला है। बिना काम के आपको क्या है, अगर आप चाहते हो भाई हम घर पे बैठे हैं और हमारा रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए तो भाई बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि ITI वालों को देखो आप, चाहे हरियाणा पुलिस वालों को देखो, उन्होंने भी अपने लेवल पे क्या है उन काम कर रहे हैं, और हरियाणा पुलिस वाले जो मेल कांस्टेबल वाले हैं वो भी अभी भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ही जो ITI वाले रिजल्ट है वो भी शुरू है, आपके भी रोज़ाना आ रहे हैं, ठीक है। कल आपका रिजल्ट नहीं है, आज उनका भी आ सकता है रिजल्ट। तो इस भर्ती से जो भी जुड़े कैंडिडेट है भाई आप 13 तारीख मंडे को पंचकूला पहुंचो और चेयरमैन साहब से बात करो भी हमारा रिजल्ट है वो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने एक जो आपका न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें बोला था भी हम जो भी पेंडिंग रिजल्ट है वो भाई इस महीने के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अभी तक इस भर्ती का एक भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आपका जो आपकी अगर बात करें रिजल्ट से रिलेटेड है तो आपको पंचकूला पहुँचने में आपका फ़ायदा है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं भाई, जो भी इसे भर्ती से जुड़े हुए कैंडिडेट है भाई जो जा रहे हैं, ठीक है, वो भाई 10-20 कैंडिडेट ऐसे हो भाई जो लीड कर रहे हो इसे पूरे जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसको, तो वो कैंडिडेट भाई अपना नाम, रोल नंबर, ठीक सॉरी रोल नंबर क्या फ़ोन नंबर, ठीक है, और कौन सी जगह से यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप जा रहे हो तो वो लिखो भाई अपने जो भी 15 से 20 कैंडिडेट है वो, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट अभी कांटेक्ट करना चाहे तो किससे कांटेक्ट करेगा ये आपको सबसे पहले काम करना है। कम से कम 15-20 कैंडिडेट तो ऐसे होने चाहिए जो भी अपनी एक लिस्ट बनाए और उसमें भाई नाम और फ़ोन नंबर और आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप जा रहे हो, तो तब क्या है भाई कोई अगर कैंडिडेट आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सके। ये काम भाई आप ज़रूर करो और वो भाई शेयर करो, फिर उस पर आप वीडियो बनाते हैं भाई ये कैंडिडेट जा रहे हैं, ठीक है। पूरी डिटेल से उस पर जो भी अपडेट होगी वो भी आगे हम आपको दे देंगे, और अभी के लिए ये अपडेट अभी 13 जून मंडे को 1/2020 एडवर्टाइज है उसके जो भी रिजल्ट आप पता हिस्से के जो भी जितने भी रिजल्ट है वो सभी अभी भी पेंडिंग है, एक भी रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके लिए भी 13 तारीख को आप तैयार रहे, अभी नहीं तो भाई कभी नहीं, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आप चाह रहे हो भाई हमारा एक ग्रुप बना दिया जाए तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जो भी आप अपनी राय रखते हैं वो भी राय आप इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।